सऊदी अरब और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज को धमकी देने वाले पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी अब अपने ही देश में बुरी तरह से घिरते हुए नजर आ रहे हैं। सऊदी अरब के पैसों पर पेट पालने वाले पाकिस्तान के विपक्षी दलों ने कुरैशी पर जोरदार हमला बोला है। नवाज शरीफ की पार्टी PMLN ने आरोप लगाया कि कुरैशी देश के बेहद महत्वपूर्ण हितों के साथ खेल रहे हैं। इस आलोचना के बाद अब पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय को सफाई देनी पड़ी है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने कहा कि कुरैशी का बयान देश के लोगों की OIC से कश्मीर के मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाने की इच्छा और आकांक्षा को दर्शाता है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता आयशा फारूकी ने कहा कि देश के लोगों की OIC से काफी अपेक्षा है। वे चाहते हैं कि OIC कश्मीर के मुद्दे को दुनिया भर में उठाए। उन्होंने कहा कि इस संबंध में हमारा प्रयास आगे भी जारी रहेगा। फारूकी ने दावा किया कि पाकिस्तान OIC का संस्थापक सदस्य है और उसका OIC के सदस्य देशों के साथ दोस्ताना संबंध है। सऊदी अरब के साथ संबंधों पर फारूकी ने कहा कि दोनों देशों का ऐतिहासिक संबंध रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के लोग दो पवित्र मस्जिदों के संरक्षक सऊदी शाह का बहुत सम्मान करते हैं। इससे पहले पाकिस्तान की विपक्षी पार्टी मुस्लिम लीग नवाज ने सऊदी अरब को धमकी देने के मामले में कुरैशी को घेरा था।